नमस्ते जी। जब आप संसार में एक दूसरे से व्यवहार करते हैं तो कुछ सहयोग लेना होता है तथा कुछ सहयोग देना होता है। इसी का नाम उत्तम व्यवहार है। यदि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो 80% लोग आपके साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे। बाकी 20% लोग तो फिर भी आपके साथ दुष्टता करेंगे ही। उनकी चिंता ना करें, यह संसार का सत्य है। इस सत्य को पहचानें, इसे स्वीकार करें और दुखी ना हों। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको यही शिकायत होती है कि जब हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो फिर दूसरे लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करते। जब उन्हें इस प्रश्न का कोई ठीक सा उत्तर समझ में नहीं आता, तब वे अज्ञानी लोग इस बात को अपनी किस्मत पर डाल देते हैं और उसे अपने पिछले जन्म का कर्मफल मान लेते हैं। यह असत्य है। यह आपकी किस्मत का दोष नहीं है या आपका कोई पिछले जन्म का कर्मफल नहीं है, यह दूसरे का अन्याय है। तो जो संसार का सत्य है उसको ठीक प्रकार से समझें और स्वीकार करें कि कुछ ना कुछ लोग तो आपके साथ अन्याय करेंगे ही। जरा सोचिए, क्या ईश्वर के साथ लोग अन्याय नहीं करते? ईश्वर कभी भी किसी पर भी अन्याय नहीं करता, फिर भी लोग उसे प्रतिदिन गालियां देते हैं। सर्वथा निर्दोष होते हुए भी जितनी गालियां ईश्वर खाता है इतनी कोई नहीं खाता। जरा सोचिए, जब लोग ईश्वर को भी नहीं छोड़ते, उस पर भी झूठे आरोप लगाते हैं, तो आप हम क्या चीज हैं? हमें और आपको कौन छोड़ेगा? कोई ना कोई तो अन्याय करेगा ही। इसलिए उनके अन्याय से अपनी सुरक्षा अवश्य करें, परंतु दुखी ना होवे। और जो संसार में बुद्धिमान, धार्मिक, सदाचारी लोग हैं, उनका उचित सम्मान करें, उन्हें सुख दें। इस प्रकार से यदि आप उनके साथ व्यवहार करेंगे तो इसका फल समय आने पर आपको निश्चित रूप से मिलेगा, ब्याज सहित मिलेगा। तो अच्छे लोगों के साथ संबंध रखें और सदा सुखी रहें। दुष्ट लोगों से अपनी रक्षा करें। नमस्ते जी।